नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को अपना नेता घोषित करते हुए ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ सीएम कैंडिडेट होंगे, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कमलनाथ को संन्यास लेने की सलाह दे डाली है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए सोमवार को भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर पर हुई बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर कमलनाथ की अगुवाई में ही लड़ेगी और कांग्रेस चुनाव जीतती है तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। खास बात ये रही कि इस बैठक में वो सभी नेता मौजूद थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो कमलनाथ से नाराज है, चाहे अरुण यादव हो, अजय सिंह हो या दिग्विजय सिंह हो। बैठक के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब हर 15 दिनों में अपने कामों की समीक्षा करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगला चुनाव कांग्रेस एकजुटता से लड़ेगी। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश के हित के लिए, जो बार बार मैं कहता था, उस भावना को सर्वसम्मति से हम सब परिवार के लोगों ने, कांग्रेस के जितने सीनियर नेतागण हैं, जितने परिवार के जो मंत्री उनके साथ रहे वो, और लगभग एक भाव सबका, फिर से मध्य प्रदेश की आवश्यकता है, फिर से कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ की उम्र का हवाला देते हुए उन्हें संन्यास लेने की सलाह दी है। संन्यास की उम्र में सहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही है। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। जहां एक तरफ इस बैठक के जरिए कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और अंदरूनी गुटबाजी की खबरों पर विराम लगाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कमलनाथ को दोबारा सीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर सवाल खड़े किए। टीम न्यूज़ स्टेट।